हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपके लिए लाया हूँ बंजारा मार्केट, जो कि सेक्टर 56 गुड़गांव में है, का सेकंड पार्ट। बंजारा मार्केट का लास्ट व्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो हमने उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया था। अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आप हमारे चैनल अजल विकास व्लॉग्स पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अजल विकास व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में सबसे पहले ये बुद्धा की स्टैचूज देखिए, फाउंटेन वाली स्टैचूज हैं। अराउंड 2000 to 2500 रुपीज़ प्राइस होते हैं इनका। अगर आप अपने गार्डन में लगाते तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब देखिए, ये प्लांटर स्टैंड्स को देखिए दोस्तों, 1000 रुपीज़ के अराउंड इसका प्राइस होता है। इसमें दो साइज़ मिल जाते हैं, छोटा साइज़ जो है आपको 600 रुपीज़ का मिल जाएगा। 3 लेयर्स हैं मेरे पास पर्सनली, घर में ये प्लांटर स्टैंड है। तो दोस्तों, मुझे पर्सनली जो है घड़ियों का काफ़ी शौक़ है, तो ये वॉल क्लॉक मेरे को बंजारा मार्केट में देखने को मिली। 2000 रुपीज़ प्राइस था इसका, बड़े साइज़ की है इसलिए 2000 रुपीज़ प्राइस है। अमेज़न पे जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली मिलेगी। मेरे पास एक बड़े साइज़ की क्लॉक ऑलरेडी घर में है जिसका प्राइस अराउंड 4500, तो मैं बता सकता हूँ आपको कि कितना सही प्राइस है। और ये छोटे साइज़ में भी अवेलेबल थी, सो इसका प्राइस है 2000 रुपीज़। बट ये थोड़ा छोटा है, दीवार को पूरी कवर नहीं कर पाता। अब दोस्तों, ये कमाल की चीज़ देखिए, ये विंटेज टाइप जो टेलीफोन है मुझे बंजारा मार्केट में देखने को मिला। 1500 रुपीज़ प्राइस था इसका। ये वाले लैंप देखिए दोस्तों, एक पाकिज़ा वाली फील देते हैं, ग्लास लैंप्स हैं बेसिकली, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हैं। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, ग्लास का ही डिज़ाइन बनाया गया है। फ्रंट में जो फ्लावर्स वगैरह बने हैं काफ़ी बढ़िया लगते हैं आपके घर में। 250 रुपीज़ प्राइस था इसका। ये वाला जो बुद्धा का स्टैचू आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक्चुअली एक कैंडल स्टैंड है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसका प्राइस था दोस्तों 400 रुपीज़। काफ़ी अलग, मतलब मेरे को वो एक यूनिक सी चीज़ लगी, चारों साइड बुद्धा के फेसेस बने हुए हैं, तो क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इस टाइप के स्टैचूज़ भी आपको बंजारा मार्केट में देखने को मिलते हैं, अभी पहले नहीं आते थे बट अभी आने लगे हैं। ये ट्राइपॉड लैंप देखिए दोस्तों, 2000 रुपीज़ प्राइस होता है बड़े वाले ट्राइपॉड लैंप का, और अराउंड 1500 रुपीज़ प्राइस है ये छोटे वाले जो ट्राइपॉड लैंप है। आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी में वैरायटी देखने को मिल जाएगी आपको ट्राइपॉड लैंप्स की। अगर आप अपने घर के लिए दोस्तों कुछ सोफ़ा टाइप से देख रहे हैं, तो ये स्मॉल साइज़ के सोफ़ा सेट आपको मिल जाएंगे। 2 का पेयर है, 2500 रुपीज़ प्राइस था इनका, काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों फ्लावर वॉस की तरफ। इस टाइप के डोनट वॉस काफ़ी हैवी क्वांटिटी में आपको बंजारा मार्केट में मिल जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन, ड्यूअल शेड, सिंगल शेड, ये वाइट शेड वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये एक अलग टाइप का फ्लावर वॉस है दोस्तों, कैटल की शेप में, बट काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। 350 रुपीज़ प्राइस था इसका। ये बॉटल की शेप में है, इसका प्राइस 250 रुपीज़ था। तो अलग अलग टाइप के फ्लावर वॉस आपको बंजारा मार्केट में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ये देखिए डोनट, जो कि ड्यूअल शेड में है, इसमें और कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको मिरर्स दिखाता हूँ, कुछ अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग साइज़ के मिरर अवेलेबल होते हैं बंजारा मार्केट में, और ये एक मस्ट बाय होता है बंजारा मार्केट। अगर आप जाते हैं तो मिरर ज़रूर खरीदिए, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ और अलग अलग प्राइसेस में अवेलेबल होते हैं। ये बड़ा मिरर है, अंदर मिरर थोड़ा छोटा है बट फ्रेम काफ़ी बड़ा था, पूरी दीवार को कवर कर सकता है। 3000 रुपीज़ प्राइस था दोस्तों इसका। अब ये वाले मिरर देखिए दोस्तों, ये 700 रुपीज़ प्राइस में आपको मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपके घर में सोफ़ा सेट हो, उसके पीछे आप बैकड्रॉप में अगर आप ये मिरर लगाते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देता है। एंट्रेंस पे ये मिरर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। कैंडल स्टैंड है, इस पर एक ब्रांड का टैग भी लगा हुआ था, बट आई डोंट नो ब्रांडेड है या नहीं है, बट काफ़ी अच्छा लुक एंड फील देता है। 5 कैंडल का इसमें स्पेस था। इस टाइप के अलग अलग प्लांट स्टैंड दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं, मेटल के बने हुए, नीचे स्टैंड है और ऊपर प्लांट अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी एक कॉर्नर को पूरा फिल कर देता है। इस टाइप के अगर आप प्लांटर स्टैंड अपने घर में यूज़ करते हैं, ये छोटे साइज़ का प्लांटर स्टैंड है दोस्तों। 250 रुपीज़ प्राइस था इसका। देखिए दोस्तों, एक यूनिक सी चीज़, कैटल और साइड में शुगर के लिए जो कंटेनर है वो भी दिया गया है। कैटल और ये दोनों वाइट
कलर में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। 350 रुपीज़ प्राइस था इसका। इस टाइप के अलग अलग साइज़ के और अलग अलग डिज़ाइन के कंटेनर्स आपको मिल जाते हैं, बेसिकली सर्विंग बाउल्स कह सकते हैं आप इसको, सब्जी वगैरह सर्व करने के लिए काफ़ी अच्छे क्वालिटी में अवेलेबल। ग्रीन एंड वाइट दो शेड्स थी इसमें, दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे थे। कैटल में भी आपको दो शेड मिल जाती हैं। ये वाले देखिए दोस्तों, पिज़्ज़ा सर्व करने के लिए पिज़्ज़ा सर्विंग ट्रेज अवेलेबल हैं अलग अलग कलर में, सेम ग्रीन एंड वाइट शेड में, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ब्लू एंड ग्रे शेड में भी आप देख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन है। इस टाइप की जो प्लेट्स हैं वो अवेलेबल। ये वाली प्लेटर ट्रे दोस्तों मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इसमें जो चिपकी हुई बाउल्स हैं चटनी या मेयोनीज़ वगैरह सर्व करने के लिए, आप चाहें तो इसमें डोसा भी सर्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल थी इस वाली शॉप पे दोस्तों। मेरे को प्लेटर ट्रेज की भरमार मिली। ये देखिए लीफ शेप में अवेलेबल है, सी सेल शेप में अवेलेबल है, अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग पैटर्न है। अराउंड 150 रुपीज़ से इनका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, तो क्वालिटी की वजह से थोड़ा सा प्राइस आपको महंगा लग सकता है, बट आप रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन, ये डिज़ाइन आपको बंजारा मार्केट के अलावा बाहर मुश्किल ही देखने को मिलते हैं। इस शॉप पे दोस्तों मेरे को ये वाली डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी थी। सूप बाउल है बेसिकली, सूप बाउल के अलावा कप में भी, ये देखिए मग और कप दोनों में ही ये वाली डिज़ाइन अवेलेबल थी। मतलब अट्रैक्ट किया इस डिज़ाइन ने मुझे। ये देखिए बाउल में भी ये वाली डिज़ाइन है, बेसिकली गुदाई की हुई है, सिरामिक की बनी हुई है। इस टाइप के वाटर जग भी अवेलेबल हैं सिरामिक में, जो आप अगर डिनर टेबल पे अपने रखते हैं तो काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब देते हैं, काफ़ी अच्छा फील होता है आपको जब इस टाइप की क्रॉकरी आप अपने डिनर टेबल पे यूज़ करते हैं। अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर शेड्स की प्लेट्स अवेलेबल थी दोस्तों। बंजारा मार्केट में आपको रग्स, जूट मैट, कारपेट सब अवेलेबल होते हैं, डोर मैट्स। ये देखिए अलग अलग डिज़ाइन के डोर मैट्स अवेलेबल हैं बंजारा मार्केट में। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डोर मैट्स आए हुए थे बंजारा मार्केट में। ये देखिए ये वाला डोर मैट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। क्वालिटी एकदम वो है जो आपको अमेज़ोन पर मिलेगी, बट प्राइस वो है जो सिर्फ आपको बंजारा मार्केट में मिलेंगे। ये प्लांटर्स देखिए दोस्तों, ह्यूमन शेप के काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मेरे को प्लांटर्स के लिए बंजारा मार्केट काफ़ी अच्छी लगती है। ये कैमल या ड्रैगन शेप के आपको प्लांटर मिल जाएंगे बंजारा मार्केट में, काफ़ी अच्छे लगते हैं जब आप घर में इस टाइप के प्लांटर्स यूज़ करते हैं। ये एक डिफरेंट शेप थी, ऑक्टागन शेप दोस्तों, स्टार्स बने हुए थे, सिरामिक की बनी हुई है, काफ़ी अच्छे लगते हैं इस टाइप के प्लांटर्स अगर आप अपने गार्डन एरिया में यूज़ करते हैं तो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं बहुत ही जल्द मिलता हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अजल विकास व्लॉग्स को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।